हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं बंधन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं संडे को आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब दूंगा। तो आज संडे हैं तो मैं आप दोस्तों के साथ वही जो आपके सवाल हैं उनको पढ़ूंगा और साथ में उनके जवाब दूंगा। तो हमारा पहला सवाल है, भाई सॉफ्टवेयर तो दे दिया, डेटा क्यों देगो, कौन देगा? तो भाई डेटा तो होता है हज़ारों जीबी में और इतना तो हम नेट पे अपलोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए सॉरी, जो है वो ही डाउनलोड करो, यूज़ करो और खुश रहो। हमारा दूसरा सवाल है हाजी शहजाद का, और अगर एक स्टिल को दो फ्रेम में बनाएं तो किस तरह कैसे बनाएंगे? यानी जो मैंने आपको इफ़ेक्ट बनाना सिखाया था जो BMP पे, तो भाई उसमें एक ही जो है लगती है पिक्चर, उसमें दो फ्रेम नहीं बन सकते। उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा कि पहले आपको अल्फ़ा इफ़ेक्ट BMP इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको लेआउटर के ज़रिए दूसरा जो है फ्रेम एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक इफ़ेक्ट में दो BMP नहीं लग सकती। तो दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है अमीर नियाजी का, सर हेल्प मी, मेरा पीसी सिस्टम हैंग, कोर 2 ड्यू, उसमें 4 GB रैम DDR3, 500 GB हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड 1 GB। सर, जब मैं ADS 7.5 को प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो वो रुक रुक के चलता है। तो भाई कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आ रहा है जो पीसी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी है चाहिए, तो वो देखने के बाद ही उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया करें। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास अगर इतनी रैम लगी हुई है तो कुछ प्रोजेक्ट 3D में होते हैं, उन पे बहुत ही हार्ड वर्क किया होता है, तो वो तो हमारे Core i5-7 में भी रुक रुक के चलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है तरुण भाई का, और उन्होंने कहा है, सर ADS 9 है बट फुल ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल करें प्लीज़? भाई उसको तो आपको बाय ही करना पड़ेगा फ़िलहाल, और अभी तक वो किसी के पास ऑफलाइन है नहीं, होगा भी तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको वो बाय करना पड़ेगा ग्लास वैली की वेबसाइट से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है ओम फोटोज़ एंड वीडियो मिक्सिंग, तो उन्होंने कहा है, सर जी मराठी टाइटल प्रोजेक्ट बनाइए एक प्लीज़। तो भाई सबसे पहली बात ये कि मराठी लैंग्वेज मुझे समझ में भी नहीं आती, और उस पे टाइटल बनाने के लिए सॉन्ग की कुछ समझ भी आनी चाहिए, और कौन सा सॉन्ग को ये भी पता होना चाहिए, तभी हम उस पे बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल है हमारा सज्जीत के, सर मैं सिस्टम बनवाना चाहता हूँ ADS के लिए, समझ नहीं आता कौन सा प्रो और रेम ग्राफिक्स कार्ड कितना होना चाहिए, मेरे पास 50 से 60 हज़ार लगाना चाहता हूँ सिस्टम में, प्लीज़ बताइए सर। सर जी बात ये है कि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ और आप इंडिया में रहते हैं, तो इतना हमारे पास खुद के पास भी इतना हैवी नहीं है PC, लेकिन अगर आप Core i5 भी ले लेते हैं तो वो भी अच्छा है, आप उसमें ADS या डो प्रीमियर का काम कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा हो आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर और साथ में रैम, अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है तो मैं यही कहूँगा कि एक बार ही इन्वेस्ट करें और अच्छे से अच्छा PC बनवाने की कोशिश करें। सुंदर राजन का कमेंट है कि हाउ टू इंस्टॉल यूली DVD फॉर्मेट Factory 7 ऑन Windows 10 x64, आई हैव ट्राइड एंड इट वॉज फेल्ड विद एरर, दिस एप्स कैन रन ऑन दिस PC, आर न्यू अपडेट दिस अवेलेबल एंड स्टॉप्ड, कैन यू हेल्प मी? तो सर, ये जो फॉर्मेट Factory 7 है ये Windows 10 में इंस्टॉल नहीं होता, अगर होता भी होगा तो इसका कोई तरीक़ेकार हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत बार ट्राई किया है तो वो Windows 10 के जितने भी वर्जन हैं उनमें इंस्टॉल नहीं होता। तो आप इससे बेहतर हैं कि कोई और नैरो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, तो वो भी अच्छा है, उसमें भी DVD अच्छे से बन जाती हैं।
हमारा अगला सवाल है जीत इंटरप्राइज HD स्टूडियो भाई, JPG बैक फाइल की जगह वीडियो भी रख सकते हैं? तो भाई इसमें सिर्फ आप जो हैं वो BMP का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर जो हैं आप वीडियो या AVI फाइल नहीं डाल सकते। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल पूजा सिंह का है। सर ऐसे ही मैं भी मास्किंग करती हूँ फिर भी इफ़ेक्ट के साथ ब्लैक बैकग्राउंड आ जाता है, प्लीज़ इसी सेटिंग बताइए प्लीज़ सर प्लीज़। तो पूजा जी देखें, अगर आपके सिस्टम में ADS 8, 7 या 9 इंस्टॉल हैं तो आपको क्विक टाइम प्लेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके एक सेटिंग होती है जहाँ पे उसको जाके चेक करना पड़ता है। तो मैं पहले भी उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, क्विक टाइम प्लेयर पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसकी सेटिंग को वहाँ से जाकर देख सकती हैं। तो आपका जो भी मसला आ रहा है तो वो हल हो जाएगा, अगर ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और भाई की तरह हैं। मिक्सिंग रिलेटेड, आई लव यू ब्रा, हैव 2 कॉपीराइटेड ट्रैक ऑलरेडी, बहुत दुख हुआ सर, आई स्टॉप्ड वीडियो अपलोडिंग फॉर 1 month बिकॉज आफ्टर 1 month 1 स्ट्राइक एक्सपायर्ड, देन आई स्टार्टेड अगेन बिकॉज हैव 2 स्ट्राइक सो डोंट अपलोडेड इट्स टू मच रिस्क, गॉड ब्लेस। तो सर जी अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई हैं तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि आपकी जल्द से जल्द हट जाए और आप फिर से अपने चैनल पे लौट आएँ और कुछ ना कुछ हमें सिखाने की बातें बताएं, क्योंकि हम भी आप जैसे दोस्तों आप जैसे सर से ही सीखते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा एडिट के बारे में नहीं जानते और ना ही हमें एडिट के बारे में इतना कुछ पता है, जो सीख रहे हैं वो आपको देख देख के ही सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा सुंदर राजन, रॉन्ग पासवर्ड ADS 7 नॉट स्ट्रिक्ट विनरार फाइल। तो भाई आप को ऐसा करें, बहुत दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर फाइल नहीं खुलती या वो एरर दे रही है, तो भाई आप ऐसा किया करें कि जो विनरार का 64-bit का जो सॉफ्टवेयर है आप उसको इंस्टॉल किया करें तो आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे जो हैं वो हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है पृथ्वी ने कि नाइस वर्किंग सर, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। तो आगे हमारा सवाल है राकेश कुमार का, क्या आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं वीडियो एडिटिंग? जी भाई, ऑफलाइन या ऑनलाइन जितना हमसे हो सकता है और जितना हम जानते हैं उतना ही आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा तो मैं भी सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ आता है और जितना करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करें जितना हमें आता है। एम रमज़ान अली का सवाल है कि कौन स्लाइड डेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे भी पूछा मैंने जवाब नहीं दिया, आपसे पूछा था आपने भी जवाब नहीं दिया, मुश्किल है क्या? भाई मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो बात ये है कि उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, है सिर्फ 2 मिनट का काम, ज़्यादा नहीं है, और कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो में भी मैं हो सका तो आपको इसी वीडियो में करके दिखा दूँगा कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को सेव करना है। आपका जितना भी प्रोजेक्ट बना हुआ है जितना भी है उसको एक जगह पे सारी की सारी ऑडियो वीडियो AVI PNG सभी फाइलों को एक जगह पे उसको सिर्फ अलग कर देना है और वो आप किसी को दे भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी होगा तो टाइम तो मैं इसी वीडियो में बना के आपको दे दूँगा, तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में डाल दूँगा। तो ये देखें आपने क्या करना है कि ADS का कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कपल रनिंग हाईलाइट या 3D कोई किसी तरह का भी प्रोजेक्ट हो, तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी करके किसी को भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको चीज़ नज़र आएगी,
कौन स्लाइड डेट प्रोजेक्ट इस पे सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव प्रोजेक्ट टू फोल्डर इसको सिलेक्ट करना है और इसको लोकेशन देनी है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लेता हूँ और इस पे लिख देता हूँ टेस्ट, ये देखें, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपने ये एक ऑप्शन बैकअप सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर बैकअप ना हो तो आपने इसको बैकअप पे ही रखना है। और बैकअप पे करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके करना है और यस करना है। मेरे पास ये मिसिंग क्यों कर रहे हैं कि ये फाइलें आपको मिस नज़र आ रही हैं AVI क्रोम कपल की, तो इसलिए आपके पास जब ये कंप्लीट होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फाइलें AVI BMP जो भी यूज़ हुई हैं इस प्रोजेक्ट में वो सारी की सारी वहाँ पे कॉपी हो रही हैं, और साथ में प्रोजेक्ट भी कॉपी हो जाएगा। तो आप ऐसे किसी को भी एक प्रोजेक्ट निकाल के दे सकते हैं अगर आपके पास डेटा है और आपको फाइलें नहीं मिलती तो इस तरह से। तो मैंने टेस्ट लिखा था, तो देखते हैं ये पड़ी फोल्डर, और ये देखें इसमें ये इसका फोल्डर पड़ा है और ये इसका बैकअप पड़ा है, ये देखें। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रोजेक्ट को निकाल के कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा, और आपका जो सवाल था उसका जवाब। एक दोस्त ने कमेंट किया है, सॉरी ये सवाल नहीं, कमेंट किया है, SR मल्टीमीडिया आगे, यार पता नहीं क्या, लेकिन नाइस वीडियो सर, आपसे बहुत कुछ सीखा, थैंक्स। जी भाई, ये तो आप भाइयों का प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और उनको शेयर भी करते हैं। एक और सवाल है सुभाकर का, सर अडोब फोटोशॉप CC 2018 का फुल्ली वर्जन दे दो। तो भाई ये मैं एक वीडियो, मेरे जो न्यू चैनल हैं उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, आप उस चैनल पे चले जाएं तो आपको उस चैनल पे इजीली मिल जाएगा, और उसमें तरीका भी मिल जाएगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, और उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी मैंने उसके अंदर बता दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे यही सवाल थे जो दोस्तों ने हमें कमेंट किए, कुछ सवाल थे, कुछ अच्छे कमेंट थे जो मैंने पढ़ के आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे हैश लिख कर बंधन स्टूडियो उसके आगे आप अपना सवाल लिख सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट संडे में उसका रिप्ले ज़रूर दूंगा। तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल जो है वो हैश बंधन स्टूडियो लिख कर टैप करके कमेंट कर दें, और नेक्स्ट संडे में मैं आप दोस्तों के साथ इसी तरह आकर आप दोस्तों के सवालों के जवाब दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच मयाल यूट्यूब फ्रेंड्स।